हेलो एवरीवन माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेस्पायरेटरी सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज़ डेड स्पेस देखिए अगर आपने अभी नोटबुक और पेन रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको साइड रख दीजिए बिकॉज मेरा एम ये रहेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए और वीडियो के एंड तक ये टॉपिक याद भी हो जाए और इस टॉपिक के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं डेड स्पेस से देखिए हमें पता है टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 हंड्रेड एम एल टाइडल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग एट रेस्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो इस 500 हंड्रेड एम एल में से वन फिफ्टी एम एल गैस किसको फिल कर देती है हमारे कंडक्टिंग एयरवेज को और रिमेनिंग थ्री फिफ्टी एम एल फिल करती है हमारे रेस्पायरेटरी एयरवेज को So, ये जो वन फिफ्टी एम एल गैस है जो कंडक्टिंग एयरवेज को फिल करती है गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है इसी वजह से इस वॉल्यूम ऑफ गैस को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम अगर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर की मतलब हमने 500 हंड्रेड एम एयर इंस्पायर की तो एयर क्या पाथ फॉलो करेगी नोज के थ्रू फेरिंग्स देन देन ट्रेकिया ब्रोंकस ब्रोंकाय ब्रोंक्योल्स और फाइनली कहाँ चले जाएगी हमारे एल्वियोलाय में अब 500 हंड्रेड जो हमने इंस्पायर की उसमें से सिर्फ और सिर्फ 350 फिफ्टी ही हमारे एलवियोलाई में पहुंच पाती है रिमेनिंग 150 फिफ्टी एम कहाँ रह जाती है हमारे कंडक्टिंग एयरवेज में कुछ नोज में रह जाएगी कुछ फेरिंग्स में कुछ लैरिंग्स में कुछ ट्रेकिया में कुछ ब्रोंकस में कुछ ब्रोंकाय में कुछ ब्रोंक्योल्स में और 350 फिफ्टी एम एल कहाँ पहुँचेगी एलवियोलाई में और जो गैस एक्सचेंज होता है हमारे जो ब्लड होता है उसके साथ जो एक्सचेंज होता है गैस का वो एल्वेलाई के थ्रू ही तो होता है तो 350 फिफ्टी एम ही हमारे वेंटिलेशन में यूज़ होगी और बाकी 150 फिफ्टी वेस्ट हो जाएगी सो so, अगर आपसे कोई पूछता है डेफिनेशन ऑफ डेड स्पेस तो आपको क्या बताना है इट इज द स्पेस विद इन द एयर वेज दैट डो नॉट अलाउ गैस एक्सचेंज विद पल्नरी कैपिलरी ब्लड फ्लो तो हमने 500 हंड्रेड जो एयर इंस्पायर की थी उसमें से 150 फिफ्टी गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है विद पर्नरी कैपिलरी ब्लड फ्लो और उसी वॉल्यूम ऑफ गैस को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम सिंस द डेड स्पेस इज ड्यू टू द एनाटमी ऑफ एयरवेज इट इज़ ऑफन रिफर टू एज अनाटमिकल डेड स्पेस देखिए अगर आपसे किसी ने डेड स्पेस की डेफिनेशन पूछी है या फिर अनाटमिकल डेड स्पेस की डेफिनेशन पूछिए एक ही बात है आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिकॉज ये डेड स्पेस एयरवेज की अनाटमी की वजह से होता है इसी वजह से इसको हम अनाटमिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं और इसी की वजह से आउट ऑफ़ 500 हंड्रेड एम एल ऑफ़ टाइडल इंस्पायरेशन हमने 500 हंड्रेड एम एल इंस्पायर की थी ओनली 350 फिफ्टी एम एल एयर क्या करती है हमारे एलव्यू में एंटर करती है बाकी 150 फिफ्टी कहाँ रह जाती है कंडक्टिंग एयरवेज में रह जाती है सो रेशियो ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम टू टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट अराउंड अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ जो एयर हम इंस्पायर करते हैं वो हमारी वेस्ट हो जाती है और सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग एयरवेज़ में रह जाती है दस नॉर्मली थर्टी परसेंट ऑफ द वेंटिलेशन डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज तो हंड्रेड परसेंट जो हमने गैस इंस्पायर की थी उसका थर्टी परसेंट किसमें गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपने नोटिस की होगी देखिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि टाइडल वॉल्यूम 500 हंड्रेड होती है जिसमें से 150 फिफ्टी को डेड स्पेस बोलते हैं और बाकी 350 फिफ्टी एम एल फिल कर देती है हमारे रेस्पायरेटरी एयरवेज को अब ये जो डेफिनेशन लिखी है ये भी इसी को घुमा के लिख हुई है अब ये यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया हुआ है वाए? कि 30 परसेंट वेंटिलेशन डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज 500 हंड्रेड का 30 परसेंट अराउंड 150 फिफ्टी ही तो हुआ अब इन्होंने लिखा है 500 हंड्रेड एम एल ऑफ़ टाइडल इंस्पायरेशन में से 350 फिफ्टी एम एल एंटर करती है एल आई में अब वन फिफ्टी कंडक्टिंग एयरवेज को फिल करेगी तो थ्री फिफ्टी एल आई में एंटर करेगी यही बात यहाँ पर लिखी है तो अगर आपको फिजियो के एग्ज़ाम में फिजियो के एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको थ्योरी ज़्यादा लिखनी होगी और फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप जितना लिखोगे पॉइंट्स की फॉर्म में जितना लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अब अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें ये वाला डायग्राम बुक में नहीं दिया है बट अगर आप एक क्वेश्चन में डायग्राम बना के आते हो तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं यह आपको बात ध्यान रखनी है देखिए, अभी तक हमने देखा एनाटमिकल डेड स्पेस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्वियोला डेड स्पेस सम अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर इन डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज रीजन क्या रहता है सम एलवियोला हैव लिटिल और नो ब्लड सप्लाई देखिए 150 फिफ्टी तो हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं मतलब कंडक्टिंग एयरवेज में रह जाती है बट कुछ इंडिविजुअल में 350 फिफ्टी में से भी कुछ गैस वेस्ट हो जाती है जो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है रीज़न क्या रहता है उन इंडिविजुअल की एलवियोलाई में लिटिल और नो ब्लड सप्लाई होती है सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस एलवियोलाई इज रिफर्ड टू एज एल्वियोलर डेड स्पेस तो अभी तक हमने अनाटमिकल डेड स्पेस देखा एलवियोलर डेड स्पेस देखा लास्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटमिकल डेड स्पेस प्लस एलवियोलर डेड स्पेस इज इक्वल्स टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस या फिर कह लो ओवरऑल डेड स्पेस नॉर्मल इंडिविजुअल्स में एलवियोलर डेड स्पेस नेगलिजिबल होता है बिकॉज उनकी एलवियोलाई हेल्दी होती है और ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल होती है बट अगर हम बात करें लंग डिजीज में लंग डिजीज में जैसे कि एम्फाइसीमा हो गया स्मोकिंग के केस में हो गया अस्थमा के केस में हो गया उन केसेस में एल्वियलर डेड स्पेस का अमाउंट ज़्यादा होता है सो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ज़्यादा होता है अनाटमिकल डेड स्पेस लेकिन अगर हम बात करें हेल्थी इंडिविजुअल तो किसके बराबर होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बराबर होता है और एल्वियोल डेड स्पेस नेगलिजिबल होता है सो so, हम डेड स्पेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं अब एक बार फास्ट रिविजन कर लेते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम में से वन फिफ्टी गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस और 350 फिफ्टी एम रेस्पायरेटरी एयरवेज में फिल हो जाती है सो डेड स्पेस की डेफिनेशन है स्पेस विद इन द एयरवेज दैट डो नॉट अलाउ गैस एक्सचेंज विद पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड फ्लो डेड स्पेस को हम एनाटमिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं ड्यू टू एनाटमी ऑफ एयरवेज से इसी वजह से 350 फिफ्टी एम एल्वियोलाई में एंटर कर पाती है 150 फिफ्टी वेस्ट हो जाती है और इसका रेशियो कितना होता है 25 टू 35 25 फाइव टू थर्टी परसेंट होता है डेड स्पेस और टाइडल वॉल्यूम का रेशियो सो so, थर्टी परसेंट जो वेंटिलेशन है वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है इसके बाद हमने देखा एल्वियोलर डेड स्पेस कुछ इंडिविजुअल्स में जिनको डिजीज़ होती है उनकी कुछ एल्वियोलाई की ब्लड सप्लाई कम होती है या फिर नहीं होती है उसी वजह से उन एल्वियोलाय में जो गैस प्रेजेंट होती है वो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस लास्ट हमने देखा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस इज इक्व टू फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बट नो हेल्दी इंडिविजुअल में एलव्योलर डेड स्पेस नेग्लिजिबल होता है इसी वजह से एनाटमिकल डेड स्पेस लगभग सिमिलर होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के लेकिन डिजीज़ के केस में एम फाई सीमा केस में स्मोकिंग के केस में अस्थमा के केस में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अनाटमिकल डेड स्पेस सो गाइज इस वीडियो में इतना ही है और इस टॉपिक के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे, पे अपलोड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है आप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए थैंक यू